फिर से एक बार चालू हो चुका है। तो 3 दिवसीय प्रशिक्षण आज से चालू हो चुके हैं और इसका मोटो जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोटो इसका है, दुर्घटना के 3 आधार, नशा, नींद और तेज़ रफ्तार। तो यह थीम के हिसाब से आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं RTO में प्रशिक्षण लेना तो आप जा सकते हैं नियरेस्ट TTO ARTO ऑफिस में, वहाँ पर पंजीकरण करवा सकते हैं और नेक्स्ट डे से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी कभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करके इस वीडियो को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं ताकि सभी लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच जाए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि यह फ्री ऑफ कास्ट होता है। बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि RTO में प्रशिक्षण एक बार फिर से स्टार्ट कर दिए गए हैं, 3 दिवसीय प्रशिक्षण। इसमें दोस्तों आप इसमें जिसका थीम मैंने आपको बताया कि दुर्घटना के 3 आधार, नशा, नींद और तेज़ रफ्तार, तो इसी के हिसाब से आप लोगों को जानकारी वहाँ पर प्रशिक्षण के में दी जाती है कि गाड़ी को कैसे ड्राइव करनी है, क्या क्या आपको नियम पालन करने हैं, कैसे ट्रैफिक रूल्स कौन कौन से उसे होते हैं। पूर्ण जानकारी आपको मिलती है आपके ऑफिस से, RTO DTO ऑफिस से। तो उसमें आपको बता दूँ थोड़ा सा न्यूज, तो RTO में प्रशिक्षण जो है वो सबको दिलाया जा रहा है और साथ साथ शपथ दिलाई जा रही है कि आप नशे में गाड़ी नहीं चलाएंगे। सबसे बड़ा कारण निकल के आता है दोस्तों एक्सीडेंट का इन दिनों की, वो नशे में बाइक को या फिर कार में ड्राइविंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहला आधार जो है वो एक्सीडेंट का यही है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, आंकड़े भी मैंने प्रस्तुत किए थे आप लोगों के समकक्ष प्रीवियस वीडियोस में कि इंडिया जो है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट के मामले में पर डे वो सबसे आगे है। तो इसी को रोकने के लिए मोर्थ ने एक मुहिम चलाई हुई है जिसमें सभी RTO में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का काम स्टार्ट कर दिया गया है। दूसरा आधार जो है वो नींद, बिल्कुल ड्राइविंग करते वक्त अगर आप पूर्ण रूपेण अगर आप नहीं सोए हुए हैं, मानसिक तौर पर परेशान हैं, पूरी नींद आप नहीं ले रहे हैं पहले दिन, और नेक्स्ट डे आपको अगर ट्रिप पे जाना है, लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप अपने ऑफिस से जा रहे हैं, तो आपको अगर नींद आ रही है तो आप बिल्कुल ड्राइविंग ना करें, रुक जाएं वहां पर, अपने एक स्थान पर बाइक को रोक दें, कार को रोक दें और अपने मुँह को अच्छे तरीके से धुल लें और थोड़ा सा पानी पी लें और उसके बाद फिर से ड्राइविंग कंटिन्यू करें। अगर आप नींद में ड्राइविंग करेंगे तो बिल्कुल आप एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तेज़ रफ्तार, थर्ड जो वहाँ पे आधार है वो तेज़ रफ्तार है, यानी कि हाई स्पीडिंग, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक एक्सीडेंट में। तो ये भी आपको नहीं करना है, बिल्कुल आपको जो लिमिट है, आपको जिस भी आप वहाँ पे रोड पे ड्राइव कर रहे हैं वहाँ पे लिमिट लगी होती है 40, 60, 80 जो भी है। अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे ड्राइव कर रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ पर तो आप अच्छी स्पीड में चला सकते हैं, लेकिन जो भी स्पीड ब्रेकर हैं उसको आपको ध्यान में रखना है और वहाँ पर जो नोटिसेस रहते हैं उसको भी आपको नियम से पढ़ना है कि उसमें क्या आपको बताया गया है, ये उस हाईवे पे क्या हाईएस्ट स्पीड आपको कितनी जा सकती है, मिनिमम कितनी रह सकती है, उसको ध्यान में रखिए। कहीं भी आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो मिनिमम आप 40 की स्पीड तो मेंटेन कर ही सकते हैं, उससे ज़्यादा जाने के लिए आप देख सकते हैं, और कम भी आप अगर चलाते हैं तो भी वो आपके ऊपर है, लेकिन 40 आप मान सकते हैं कि एक आइडियल स्पीड मानी गई है विदाउट ए नेशनल हाईवे। अगर हम नेशनल हाईवे की बात इसमें ना करें कंक्लूड, तो जो हमारे सिटीज़ की रोड्स हैं, जो रूरल एरियाज़ में रोड्स हैं, वहाँ पर आप 40 की स्पीड, 30 की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। तो बिल्कुल हाई स्पीड पे गाड़ी ना ड्राइव करें, नहीं तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ये सिर्फ इसीलिए है कि इसमें आपको बताया जाए कि क्या आपको नहीं करना है कभी ड्राइविंग करते वक्त। आपको नशा नहीं करना है, यानी कि धूम्रपान ये बिल्कुल ना करें, ड्रिंक। दूसरा, आपको नींद आ रही है तो ड्राइविंग बिल्कुल ना करें, और तीसरा जो है वो तेज़ रफ्तार हाई स्पीडिंग, वो भी आप बिल्कुल ना करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसको संभाल कर रखिए। तो आप RTO में अपने जा सकते हैं नियरेस्ट, और 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यालय जो काम चल रहा है उसमें भाग ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। तो अगर आपको कुछ जानना है और तो कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे YouTube कमेंट सेक्शन में, या फिर Instagram पर फॉलो कर सकते हैं @TinkerLalogi, Instagram हैंडल है, 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, सारे क्वेश्चन का जवाब देता रहता हूँ आपके, तो फॉलो कर लीजिए। ट्विटर पर भी, वहाँ पर भी आपकी जो समस्याएं हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचाता रहता हूँ, ट्विटर पर भी सेम हैंडल है, डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइडेड है। आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।